सूरीनाम के हमारे प्यारे दोस्तों, आज एक बार फिर आप लोगों को याद करल जाएगा। दैनिक समाचार मतलब सरनामी में न्यूज़ का वक्त हो गया और आज बुध है, अक्टूबर की 12 तारीख। तो सबसे पहले दैनिक समाचार में आप हरी को वस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला ही वबरकातु, नमस्कार सभी को, राम राम और इंशाल्लाह यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छा से हो योजा ना। अगर जन्म दिवस है, फरियारी सालगिरह, कोई खुशी की घड़ी आई है तो आप मुबारकबादी के हकदार हैं। और अगर आप तकलीफ में हैं, परेशान हाल है, मुसीबत जैसा हैं, तो आप सब्र करें, संतोख करें, आपके दुख तकलीफ मुसीबतें दूर हो जाएंगी। और अगर आपके रिश्तेदार, आपके परिवार में कहीं पर कोई वफात पाया है, कोई के मृत्यु हो गए है, तो तेईबेन के फुल टीम आपके दुख में शामिल है। और हमारे सूरीनाम के जनता ऑनलाइन सनराइज एफएम से लोग सुनते हैं, फेसबुक से, यूट्यूब से, ना चाहे जैसे भी आप हमका सुनत है लो, आप लोगन खुश रहें और आबाद रहे। प्यारे जनता, दैनिक समाचार का वक्त है और स्टार न्यूज से मैं शुरुआत करता हूँ। एनडीपी फ्रैक्सी मखनित रेक्स स्ट्रेक्स स्क्राइफन आन प्रेसिडेंट। तो एनडीपी के फ्रैक्सी बड़ी कस के चौंकल बाई सभन। ई लोगन बोले का बात है, कौन सी होगा। ई लोग का कहना है कि काहे के एनडीपी के फ्रैक्सी को रेक्स्ट्रेक्स ब्रीफ न मखे रिख्त करे के प्रेसिडेंट के आदरेस पर। एनडीपी के फ्रैक्सी ये बात को जाहिर करता है कि डायरेक्टर कैबिनेट प्रेसिडेंट के अजय मुंशी बोले कि रेक्स्ट्रेक्स ब्रीफ न मखेगा लिखे के प्रेसिडेंट सैन एक्सलेंसी चंद्रिका प्रसाद संतोखी को। एनडीपी के फ्रैक्सी के चाही असेंबली के फोर सेटर के जरिए से ब्रीफ रिख्त करे के प्रेसिडेंट को। पहले ई एनडीपी के फ्रैक्सी इसी तरीका को इख्तियार कर ले रहा और उस खत पे जवाब भी मिला, मार रबेन परमेश्वर बोले हैं कि ई तरीका ठीक ना है ना। हम लोगन के चाही काम करे के एक दूसरे के साथ घुल मिल के, और ये तरीका तो ठीक नहीं है भैया ना। तो परमेश्वर ई बात से तनी चौंकस भइल है। तो सूरीनाम के जनता, ये बात स्टार न्यूज पर बयान हुआ है और हमने ई बात को आपके नाम पे रखा। अब बौफा स्टार न्यूज पे बोलत हैं, वेल फिस फरखनिंगन बलोफ्त आन खुयानी सफिसर्स। तो सरकार बोली सेगा कि उलोगन अब मछली के फरखनिंग ना देगा खुयानी सफिसर्स को, मार मंगर को बोले सबूत साहिर हुआ है। और असम्बलेलित मेल्फिन बौफा एनडीपी का है, बहंदलिंग फंदवेत प्रोडक्ट्स खपन, या एगो ईमेल प्यारे भाइयों एलफेफे के मिनिस्टर के ऊपर ही सेगा, या तो ई बात वो बताई है। और ईमेल पठावल गईल 13 दिसंबर 2020 में, और उस लेश में बतावल गईल हैगा त्रौ मानन को उस सब इडेंटिफिशेर करेंगे। और उसमें पूछल गईल हैगा है फ्रूख द मिनिस्टर द फिसर्स द फ्राग अन कॉपी फॉन द फरखनिंग फॉन 2020 द मेलन नार द डायरेक्टर फिसराई। ऐसे बोले सब कुछ पता चल जाएगा, ओम द सब के नाम रजिस्ट्रेर है। तो सूरीनाम के जनता, मेल्फिन बौफा ये बात बोले हैगा, बोले न दाद रखेरिंग मान द लंग हिफ ऑन कैन फिस फरखनिंग अन तहब बलोफ आन खुया नहीं सफेसर्स, मंगर के बोले बवे इसलिए फर भाई हैगा। सूरीनाम के जनता, ये बात अखबार में है,
और मेलफेन बाउफा उपोसिसी का है, तो ये आदमी ये बात को खुलासा कर दिया है कि सरकार तो एक कंती बोले कि नहीं, लेकिन वो लोग वादा किए हैं फरखनिंग देने के लिए। कहां तलक ये बात सही है मेरे भाइयों पता नहीं है, लेकिन मेलफेन बाउफा बोले बवई सुलई फर करी सेगा। तो सूरीनाम के जनता आगे बढ़ते हैं और हम आप लोगों को दैनिक समाचार में यही सब बात बताते हैं। या यहां पर लिखल कांग्रेस बसलेस ओवर स्टेटस एनपीएस इनको वाली थी, तो एनपीएस अब फैसला लेवे लगल बा। या और वो फैसला कैसे लेवे है, पहले छानबीन होता है, बातचीत होता है और वादे जो किए गए आफ्सप्राक जो बनल पार्टी के बलंग में, मतलब एनपीएस के बलंग में और सूरीनाम देश के बलंग में, इसके आधार पर अब एनपीएस फैसला लेगा। पार्टी फोर सेटर ग्रेगरी रुसलम्ड ये बात स्टार न्यूज से बताई सेगा और वो बात पर उगौर करीसेगा कि एयरफोर्स सेटर रोनाल्ड फेनचियान बोली से कि प्रेसिडेंट चांद संतोखी को आप लोग ना छोड़े। या और फेनचियान एक्स प्रेसिडेंट और एयरफोर्स सेटर एनपीएस के बोले कि एनपीएस को कोवालिची में चाहिएगा रहे के। रुसलान बताता है कि अब एनपीएस के अंदर में कुछ ख्यालात हैं ना और बातें चल रहे हैं, सब कोई के ख्याल के बोले हम लोग कदर करीला। और रुसलान बोले दैदलक चाहिए रहे कि एनपीएस एक डेमोक्रेटिक सब पार्टी है और बोले कि वो लोग के स्टैट्यूट है जो उनके चाहिए इज्जत करे के। तो प्यारे भाइयों पता नहीं है एनपीएस कौन फैसला लेगा, मार जो भी फैसला लेगा हम आप लोगों को जरूर बताएंगे। हाँ और बोले हम लोगन अब उस पे गौर करेंगे कि क्या होगा, हम लोग फैसला लेने वाले हैं, पार्टी के बलंग में लेंगे फैसले और सूरीनाम देश के बलंग में। तो सूरीनाम के जनता ये बातें स्टार न्यूज पर हैगा और हमें तो ना लगे है भैया, शायद आपको ऐसा लगता होगा तो अच्छा है भाई, लगना चाहिए, लेकिन आज तक हमें नहीं लगा ये बात कि कोनो पॉलिटिकल पार्टी देश के बलंग में फैसला ले इस बार। काहे हम ऐसे बोल रहे हैं ना वो भी बताते हैं आपसे। आज तक ऐसा लग रहा है, हम नहीं कहते कि ऐसा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देश के बलंग में फैसला नहीं लिया, सब कोई अपने बलंग के फैसला लेते हैं और अपने परिवार दोस्त करीबी लोगों के लिए फैसला करते हैं। वरना अगर जितने पॉलिटिकल पार्टी अब तक बैठल है सरकार में, अगर ये लोग देश के उन्नति के बारे में सोचते हैं, गौर करें तवज्जो करें आप लोग, अगर ये जितने लोग बैठे हैं सूरीनाम देश के बलंग के लिए काम करते हैं, तो आज ये देश दलदल में नरदहा में चहटम न धसल लहत। या ये बात अभी सोचें आप। Automobilist verlaat rijhelft en schept bromfietser. Slachtoffer niet aanspreekbaar. तो हमारे देश के जनता, हम आप लोगों को बताइला, सूरीनाम के सिपाही ऑटो बस्तूरदर संदीप ये के रई बवैस छीन ले सेगा। जानो का है गुजरे हुए सोमवार के सैफ नम फेर तखियार के ब्रॉमफिसर शेर अली को ये इनसे टकराया और सख्त ऑफर बहुत बुरी तरह से घायल भइल है
अंदर सुख से सामने आई सेगा। गौर से सुने आप लोग कि औतो बस्तुर्दर कम सारस वैतम वह से चलाता है और ब्रोम फिक्सर वेस्टन से रिखतिंग औस्तन जात रहा। ब्रोम फिक्सर टेखन ओफर खस्तेल्द रिखतिंग से चलाता है। पंत नंबर सेशन सेफन तख पे मोटर गाड़ी चलाने वाला अपने बान से हटकर तेखन लिखर के बान पे गायल हैगा और इगारी शेर अली के ब्रोम फिट से टकरान है ये? और लई देंग के सिपाही देखी से भैया कि औ तो बस्तुर्दर शेर अली ब्रोम फिटसर के लोकाक्षी पर है। पीरा से यादमी टड़प रहा था ये? और सूरीनाम के जनता ये कौन तमाशा है आप लोगन के फरकेर में कैसे चलावो है। बहुत ही आदमी चोटान जख्मी हुआ और सिकन है उसमें हैगा। ब्रोम फिक्सर जख्मी हो गया इनसे बात करना नामुमकिन और बस्तुर्दर ख्याल दख रही बवैस है ना नसान रहा रही बवैस इनकर इनफॉर्दर हुआ। अरे कौन की सोचत रहले तू भैया कैसे दूसरे के रही हलफ पे तू जाइए ये कौन तमाशा मचल देश में कुछ समझ में नहीं आवत है। हमारे प्यारे भाइयों हम आप लोगन के नाम पे खबरें बयान करी ला यार बहुत आफत आफत चीज अखबार में लिखल बा और यहां पर भी हम आपको बताइला नई दलांदर मैद बैना द्री किलो को का इना आन खहौदन ऑप्शन रही तो बीआईडी वाले बस्त्राइडिंग इंटरनेट छुनाल द्रुखस्तीम नई ख अक्टूबर के नई खनन दर्थ खियार के होलांदर मिल्टन एम भीतर भैया त्वे को मसेफ किलोग्राम पुरी कोकाइन भैया लेके जाए मांगत रहा लेकिन ना लुक भाई है पकड़ा गया। द्रुख्स के साथ सिपाही को इनको सौंप दिया गया। तो पता नहीं है भैया ना पता नहीं है कि का हो है गांजा पुरी देखो फिर से फन द्रुख्स हंदल फरदख्त ब्रूर एंड सुस इन फ्राई हाइट खस्तेल भाई देवेई और ओकर बहिन भी देवेई ई लोगन द्रुख्स हंदल के शक के बुनियाद पे गिरफ्तार हुए थे लेकिन छूट गए हैं। हाँ जी दोंदर दक्षेस अक्टूबर को इन लोगों के घर में द्रुख्स मिलल भाई बहिन अलगे रहे हैं दोनों बंद। सिपाही को इन्फॉर्मेशन मिला कि वहां पे घर में द्रुख्स भी के है ना तो अद्वोकात मौरी नेपते ही लोग के अद्वोकात है या और बोले हैगा कि बहिन के पास एक ग्राम से कमती हाश मिलल और भाई के पास तीन किलो ग्राम को कही ना बोले स्त्राफवार है मानते हैं ना लेकिन उपम्बार मिनिस्टेरी बोले तीन ग्राम से कमती द्रोक्स बसेत ना इन लोगों को बंद नहीं करेगा। वर बाई द फरदख्त ना द फोर खलाइडिंग इन फ्राई है त्वर्त खस्तेल्त मार ओके चाही या है मुद्दन वेल खान ओम द्रोक्स फो एक खबर इन दिन कोई स्टेल खतोख वगैरह नहीं होगा तो इनको बोले कि छोड़ दिया जाएगा। तो प्यारे भाइयों बोले तीन ग्राम से कमती रहा और नेप्त बोले कि स्त्राफ दोषी से ना पता चलल है कि द्रोह सांदल है तो इन दोनों को छोड़ दिए गए हैं। हमारे प्यारे भाइयों दैनिक समाचार न्यूज है आप लोगों के लिए लेख स्तंद वोनिंग खहेल इन असखलेख सिपाही को मंगर 11 तारीख अक्टूबर को ये मेल्डिंग मिलता है कैनेडी वैख में प्लंताश ओफर तोम इलाका पारा में एक मकान में आग लग गया। प्यारे भाइयों सिपाही पहुंचल तो घर जल करके बैठ चुका था खाली मकान रहा। ब्रांतवेर भी आ गया नाबलो सिंह के काम किया है कोई घर में ना मिलल बा लकड़ी का मकान 5x5 मीटर और इलेक्ट्रिसिटी नेट पे ना रहा और फरसेकर भी ना रहा।
वजह क्या है ना पता है। बोले हो सके है कि किसी ने ये आग लगाया होगा। तो कौन लगाया है भैया, का भइल है सठियाए गांव का, ये बेकार में आग लगा दिए हो। अगर ऐसा है तो डेल वेदम बॉसब्रुख फोरसिन फनी वेख मार्केरिंग। तो काम हुआ है भैया, जी हाँ काम हुआ। और सभन वेख देख लिखतन, हाँ जी लगाएंगे सोख नाम द कत ओख फरकेर्स फैल खैद को मजबूत करने के लिए वेदम बॉसब्रुख पे ई काम को अंजाम दे दिया गया। सूरीनाम के जनता अच्छा काम भइल है। और ई फरकेर्स तखनीस हेल्प में दिला, या ई जो असबलाइनिंग है मतलब जो स्त्रेपिया बिचुअम है ओके बलिख करते हैं रात्रि के वक्त में, और ई सोन एनर्जी से इसको अपलाद किया जाता है। इन खबाउद सोन सेलन उसमें लगा तो बढ़िया है भैया, उंदा है। ऐसे आप लोगन हाँ ख्याल कर पाएंगे कि का है कैसे हो है और अपने हेल्थ पे आप लोग रहोगे। आजकल हम बताइला या और बोला बे बतिया मनई लोगन ज्यादा तौर पे पगला घत, हाँ जी गौर करे दलिदर घत कहीं पे रहते हैं तो बबल वाटर इतना ढेर पी ले हैं ना, शरीर के जितने पुर्जे हैं सब हिलने लगते हैं। बबल वाटर ढकोल ढकोल के आप लोगन दूसरे के रे हेल्प पे जाते हो और मुसीबत की खटिया खड़ी कर देते हो। इन हरकतों से आप लोगन बाज आ जाएं। और अगर ना पी पाओ है एक आधे शौत में गड़बड़ाई लगो है तो दारू का है पियत हो। देश के जनता अब दाखलात से कुछ बातें बयान करेंगे हम, खरोज तफीरें दाखलात श्री नामक के पहले पन्ने पे लिखा गया खरोज तफीरें खबोरत दाख प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन निकेरी। ई बात दाखलात श्री नामक बयान किया है। उंदा बात है, आपको पता है जो जानते हैं कितने जानते हैं कितने जान कर अनजान बनते हैं। लेकिन इस वक्त माहे रबीउल अव्वल का महीना है और इस महीने में हुजूर सरकार मदीना जो है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हुई थी दुनिया में ना। तो निकेरी में ये खास बात को मनाया गया, उंदा तरीका से मनाया गया। अशहबे इस्लाम ये प्रोग्राम को रचाएं और जलसा भी मुनक्कत हुआ, अशहबे इस्लाम जुलूस भी निकाले हैं। और सूरीनाम के जनता ई खबोरत दख बकें थे अल्स मिलादुन नबी, बहुत सारे न मुल्कों में मिलादुन नबी मनाया जाता है। बहुत उंदा बात हैगा और हर एक सुन्नी मुसलमान को मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुबारकबाद। न सिर्फ निकेरी में उंदा प्रोग्राम था, सूरीनाम से मुस्लिम एसोसिएशन एसएमआ जो है यहाँ का सदर अलहाज मिशेल सुभान साहब जलसा भी मुनक्कत करता है और सभी को दावत दे के पुकारते हैं। अल्लाह सुभान व ताला इन तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। अंजुमन हिदायतुल इस्लाम न जहाँ का सदर अब्दुल बसीर खुदा बख्श साहब है, इन्होंने भी जलसे के मुनक्कत किए। नूरुल इस्लाम जो मेर सौरख में है यहाँ का सदर को भी हम याद करते हैं, भाई मोहम्मद शरीफ याकूब साहब, इन्होंने भी उंदा प्रोग्राम को रचाए हुए हैं, आने वाले दिनों में होगा और सभी को मुबारकबाद दी जाती है। तो इसके बारे में चर्चा हुआ न खरोज तफीरें खबोर तदाख प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन निकेरी। तो न सिर्फ निकेरी पर हमारी बहू में भी हुआ न मेर सौरख में भी होगा, या और सूरीनाम से मुस्लिम आशुशासी सर मक्कम लगाया जलसा भैया न
निकेरी में भी होगा और चारों ओर चल रहा है प्रोग्राम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम इबादतों को कबूल फरमाए। दखबला सूरीनाम में विंस्टन रामावतार सिंह फरमाता है, IMF इस नित हैक प्रॉब्लम मार स्वक बस्तूर रखेरिंग। जनता बोले कि ना IMF प्रॉब्लम हुआ है मार स्वक बलैत जोन है बस्तूर जोन है रखेरिंग के। दो ही बरिस बोले सब रखेर करी सेगा और अब बेतलेक फिनेंशियल इकोनॉमी से क्राइसिस न हटल है। वेन संद्राम अवतार सिंह ऑन टू वेकलिंग्स इकोनॉम है फोर मालख फोर से तरबी है फरे नखिंग फन इकोनॉमिस्ट इन सूरीनाम फेस का बोले सरकार को चाहिए वापस जाए के न दरखेरिंग मुतरुख खान न नार है पंत फन खुद बस्तूर एन बेसिक सेल्फ ना खान व्हाट्स द फरकेट हिव खदान एन दार द नो द कोरेक्सिस आन बरेंगा। हम अब सरनामी में समझावे बोले कि IMF ना बा प्रॉब्लम कि देश की हालत खराब है। विंस्टन रामोतार सिंह का कहना है और विंस्टन रामोसार सिंह ई ऑन्टवेकलिंग्स इकोनोम है और फोर सेटर है फोर मालक ये भी फरी नखिंग फन इकोनोमिस्ट इन सूरीनाम में। ये आदमी बोले है कि सूरीनाम के सरकार के चाहिए वापस जाए के कि ई लोगन बढ़िया बस्तूर लावे और अपने आप के पास जाकर के ये बैठ करके सोचे कि इन्हों लोगों ने क्या गलत किया और उस पे परिवर्तन कोरेक्सिस लावे। ई बात मैं नहीं कहता ना विंस्टन राम अवतार सिंह बात बयान करे हैगा दखबलात में। यकीन ना हो तो पढ़ लियो प्यारे भाइयों। हम आप लोगों को बता दें देयना लेख जो है फे हपे का ना ई राजेंद्र कुमार देवी बोलत है सरकार कुछ करो भैया ना चौर के दाम चढ़ता है। तो 11 अक्टूबर को ओपनबार फरखादरिंग में यह असम्बली लेत LFA के मिनिस्टर के ध्यान मांगी से वन बोले चाउर के दाम चढ़ता है यूनि से एक भाव चढ़े है और सूरीनाम के जनता बहुत आफत होता जा रहा है। तो ये असम्बली लेत को हम सबासी दे रहे हैं भैया ये आदमी आवाज उठाई से लेकिन न खाली चाउर के दाम न सब कुछ एकदम आफत हो गई देश में। और विंस्टन राम अवतार सिंह बोली सेगा हम फिर दोहराएला कि न IMF प्रॉब्लम हुआ है न गलत बस्तूर जो है ये देश को चलाने का तरीका गलत है। बोले दो ही बरिस से ही सरकार दो ही बरिस से ज्यादा से बैठल है ये लोगन के चाहिए वापस मुड़े के और जा करके सोचे कि इन्होंने क्या गलत किया और उस पर परिवर्तन लाए। तो जनता ये सब बातें आप लोगों के नाम पर मैंने बयान किया है आप लोगन के भी चाहिए जाने के कि सैप सै ना कोंदरे तक सै खबर ना कोंदरे जाने तो। और ये बात मैं नहीं कहता विंस्टन राम अवतार सिंह उन्हें को लाऊ मनाई है ना हाँ हम बताए आप लोगों से वो कौन है हाँ न जानत हो तनी ध्यान से सुनिएगा। विंस्टन राम अवतार सिंह ये आदमी फिनेंशियल गौर से सुनियो ऑन्टवेकलिंग्स इकोनोम हैगा और फरेन खेंग फन इकोनोमिस्टन इन सूरीनाम का ये पहले फोर सेटर रहा है। जनता मोई से रहियो आज जितना बतावे कर रहा हम बताई चुकली है ना अच्छे से आप लोग रहे फरकेर में भैया ना मुड़ी ना मोई कमा त घरे रहो फरकेर में ढकोल ढकोल के रोमलई ना करे ना ख्याल करे सावधानी से और चोरन चपाटन रोफर लोगन से भी आप लोग बचे। और जनता ख्याल करे गौर करे पौसिफी तैत से अपने जीवन के सफर को आप जारी रखें। खराब काम करियो तो उसका अंजाम भी आपको मिलेगा। किसी के लिए अगर कुछ अच्छा ना कर पाए तो कोई बुरा चीज ना कर दें किसी की जिंदगी तबाह ना करे वरना आप पर भी ये बात अगर पड़ेगा तो कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहियो कुत्ता घट इधर उधर चलियो और कहीं मुंह तो कहीं अंते चल जाए ना।
तो ख्याल करना है आपको, यानी इंशाल्लाह ताला जैसे बात है मैं वैसे बयान करता हूँ। अच्छे से रहे आप देश के जनता, ऑनलाइन से आप सुनते हो यार, इतना प्यार करते हैं आप हमसे, सनराइज एफएम से आप मोहब्बत करते हो, यूट्यूब से आप लोग प्यार दे रहे हैं, फेसबुक से, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आप लोगों के चेहरे की जो मुस्कुराहट है वो बरकरार रखे, आप लोगों को सलामत रखें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम, नमस्कार करते हैं और सभी को राम राम। जिंदगी बाकी रहा तो हम आपसे फिर मिलेंगे। ख्याल करियो बढ़िया से, बड़ी गड़बड़ वक्त चले है, फिर मुलाकात होगा। शुक्रिया।